Okay, so in last class we were discussing about the inductive effect, application of eye effect हम पढ़ रहे थे. Application of eye effect में मैंने आपको stability of carbanion के बारे में examples बताए थे. वही सारी चीजें applicable examples में होंगी जो stability of carbocation में हुई थी, बस orders reverse हो जाएंगे क्योंकि वहां पर plus eye effect जो है वो plus eye group support करता था carbocation की stability, जबकि माइनस चार्ज को पॉजिटिव प्लस आई ग्रुप जो है वो डिस्टेबलाइज करता है. ये बात कल तक हम कर चुके थे. अब एक आज नया चीज देखते हैं हम, वो एसिडिटी का कंसेप्ट. एसिडिटी, श्योरली आई एम नॉट टीचिंग यू एसिडिटी एज सच, आई एम जस्ट टीचिंग यू एप्लीकेशन ऑफ आई अफेक्ट, क्या अफेक्ट पड़ता है एसिडिटी पर आई अफेक्ट का. एसिडिटी अलग अलग जगह पर मैं आपको पढ़ाऊंगा. हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या प्रभाव पड़ता है एसिडिटी पर, रेजोनेंस का क्या इफेक्ट होता है एसिडिटी पर, सॉल्वेशन का क्या इफेक्ट है एसिडिटी पर, ये अलग अलग जगह चीजें आती जाएंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. नाउ सी दिस, जैसे एक एग्जांपल लूं एसिडिटी पे, यहां मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप्स. समझे कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये माइनस आई ग्रुप के. मैं आपको एक दो तरीके से ये बात सोचना समझाता हूं. एसिडिक यदि कोई मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब वो प्रोटॉन को लूज कर रहा है, और यदि ये प्रोटॉन को लूज कर रहा है तो जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है CH3CH2O नेगेटिव. नाउ यू शुड सी द स्टेबिलिटी ऑफ दिस फॉर्म्ड कंपाउंड. यहां से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है क्योंकि अब आप ये बोलोगे ओ नेगेटिव का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है. मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप यदि स्टेबिलिटी इसकी देख रहे हैं तो इसका इफेक्ट मत देखो, इस पर ग्रुप का इफेक्ट देखो, तो आपको इसकी स्टेबिलिटी दिख जाएगी. तो आप CH3CH2 की ओर से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो ओ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और यदि ओ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ओ की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और यदि इसकी स्टेबिलिटी कम है तो ये बनेगा कम. इसका मतलब इसका यदि बेसिक नेचर हाई है तो ये प्रोटॉन को जाने क्यों देगा. बेस का ये करेक्टर होता है कि वो प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित रखता है, प्रोटॉन को खींच लाता है, तो क्योंकि ये बेस अच्छा है तो ये प्रोटॉन को लूज ही क्यों करेगा. यदि इसकी बेसिसिटी पुअर होती तो ये प्रोटॉन को आसानी से लूज कर देता. एक चीज ये, तो आप स्टेबिलिटी ऑफ जो भी एल्कोक्साइड आयन बना है या इथॉक्साइड है इसकी स्टेबिलिटी को देखें. यदि ये स्टेबल कम है मतलब प्रोटॉन कम जाएगा, मतलब ये अल्कोहल कम एसिडिक हो जाएगा. दूसरी चीज, दूसरे तरीके से यदि आप सोचना चाहें तो आप इस बॉन्ड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसमें मैंने डेल नेगेटिव लगा दिया, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कंपैरेटिवली तो इसमें डेल पॉजिटिव लगा दिया. अब मान लो ये ग्रुप प्लस आई ग्रुप है जो कि है, वो इस ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, और यदि वो इस ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज इसके कारण बढ़ जाएगा, और यदि नेगेटिव चार्ज ऊपर बढ़ गया तो वो प्रोटॉन को दूर नहीं जाने देगा अपने से, वो प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा. देयरफॉर द एसिडिटी विल डिक्रीज. मतलब कहने का यह है जब तक ओ पर नेगेटिव चार्ज टिका हुआ है तब तक वो एच को नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से ये एच प्लस का बॉन्ड यहां पे इंटैक्ट रहेगा, और इसके इंटैक्ट रहने के कारण एसिडिटी कम हो जाएगी. यदि इस एग्जांपल को देखो तो दोनों एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं. इधर यदि देखो तो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर पुल कर रहा है, ऑब्वियसली यदि ये प्रोटॉन रिलीज कर देता है तो ये हो जाएगा CH2O नेगेटिव चार्ज एंड NO2. ये NO2 इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा. याद करो मैंने बोला था माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है. हाउ, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड विल क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज. दिस पॉजिटिव चार्ज विल गेट ट्रांसफर टू दिस ऑक्सीजन एंड सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज विल गेट न्यूट्रलाइज. ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, और कुछ अमाउंट तक
इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। देयरफॉर नेगेटिव चार्ज गिरेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेस द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी, एक एंगल ये हो गया। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा बनेगा, मतलब ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरी बात, यदि इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है NO2 तो वो क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर पुल कर रहा है, तो इस NO2 ग्रुप के कारण यदि मैं मानूं तो उसके कारण इधर पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर होगा। और यदि इस ओर पॉजिटिव चार्ज, क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है तो यहां पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। यदि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया तो वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज इधर से H+ रिलीव हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। यदि आप माइनस आई ग्रुप जोड़ोगे तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और यदि आप प्लस आई ग्रुप जोड़ोगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी। नोटेड। Now this is a simple question. There are three minus I groups which are attached here. Two minus I group, one minus I group. Obviously, ये minus I group जो है वो same distance पे तीनों के तीनों. And since the minus I group increases the acidity, therefore the acidity of this example is going to be greater when compared to this one, when compared to this one. So this is a basically a simple question. कल जो मैंने आपको variations बताए थे, उसके आधार पे भी यदि देखोगे आप questions, तो CH2 NO2, CH2, CH2, OH, obviously you know that distance is major factor. यहां पे Cl is a weaker minus I group but distance is less. यहां पे NO2 is a strong minus I group but the distance is more, but distance is the major determining factor. Therefore the effect will be more here, will be less over here. यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज माइनस आई ग्रुप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। सो दिस इज मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू दिस वन। ये एग्जांपल मैंने कल आपको बताया था। सो ऑब्वियसली दिस इज मोर एसिडिक देन दिस वन, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप, दिस इज अ वीकर माइनस आई ग्रुप, बट यहां पे दो वीक माइनस है, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। देयरफॉर दिस इज मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू दिस वन। सेम एग्जांपल से ही जो कल मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, बट एसिडिटी में उनका एप्लीकेशन मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसके बाद जो क्वेश्चन तीनों इफेक्ट्स पे है, वो क्वेश्चन पहले तीनों इफेक्ट पढ़ा लूं, उसके बाद में बताऊंगा, और एग्जाम में भी वही क्वेश्चन जनरली आएंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपको इन जनरल कोई नहीं पूछेगा, जो कि सिंपल आई इफेक्ट पर ही आधारित है। इस क्वेश्चन में थोड़ा रेजोनेंस है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी नहीं करते हैं एसिड वाले। अब बेसिसिटी का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, यहीं पे जो एसिडिटी का है उसका इनवर्स हो जाता है बेसिसिटी। यदि बेसिसिटी दोगे तो बेसिसिटी इज इनवर्स ऑफ एसिडिटी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप्स। अगेन सिमिलर है, जैसे CH3 CH2 NH2 बोलूं तो बेसिक का मतलब क्या हुआ, द वन विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट इज अ बेस। तो यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सो द बेसिक साइट इज दिस। तो इस पर लगे हुए ग्रुप का प्रभाव आप देखो, इस पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है,
ये प्लस आई ग्रुप है, इस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से यहां क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद इधर मान लो NH2 लगा हुआ है, तो इस केस में क्या है, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर पुल करेगा, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि लोन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर जो है वो कम हो जाएगी, देयरफॉर बेसिसिटी कम हो जाएगी। देखो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल कर लेगा, जिससे कि इस साइड की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मतलब इट विल बिकम लेस बेसिक, देयरफॉर दिस इज मोर बेसिक व्हेन कंपेयर्ड टू दिस वन। सिमिलर फैक्टर्स डज अप्लाई ओवर हियर। यदि और एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी आप जानते हो, आपने सॉल्व किया हो ये एग्जांपल, विच इज मोर बेसिक, तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है पर लार्जर डिस्टेंस पे, वीक माइनस आई ग्रुप है पर शॉर्टर डिस्टेंस पे, ये बेसिसिटी को ज्यादा कम करेगा, ये कम कम करेगा क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस पे, देयरफॉर दिस इज मोर बेसिक व्हेन कंपेयर्ड टू दिस वन। इन क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं रहा है, वो इसलिए कि फिलहाल मैं आपको सिर्फ अफेक्ट दिखा रहा हूं, क्वेश्चंस में आपको कल परसों से सॉल्व करवाना शुरू करूंगा जब वो मल्टीपल अफेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि आई इफेक्ट का कंसेप्ट क्या है, उसके आधार पर आप एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे देखते हैं। आई इफेक्ट के आधार पर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, वैसे तो कार्बोनिल कंपाउंड आर एल्डिहाइड कीटोन एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, बट टिपिकली हम कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन को लेते हैं। तो ये मान लो मैंने यहां पे एक एल्डिहाइड बना दिया है, एसिट एल्डिहाइड, नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा 11th में, एसिट एल्डिहाइड, समझे। यहां पर रिएक्टिविटी क्यों होनी चाहिए, यहां पर कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण रिएक्टिविटी होनी चाहिए, तो यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप देखें आप कौन सा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की थोड़ी सी अपनी ओर पुल करके रखेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब दो साइड से आपके पास, एक पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरी वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको यह सोचना है कि कौन सी साइट ज्यादा रिएक्टिव है, सी पे पॉजिटिव चार्ज या ओ पे नेगेटिव चार्ज। ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है और इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखने की टेंडेंसी हाई होती है, जबकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाई होती है, तो नेगेटिव चार्ज कभी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर स्टेबल नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी नहीं रखता है, जबकि इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम ऑलरेडी ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज यदि उस पर आया तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी, वो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आएगा और अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। यदि ये कंसेप्ट देखें तो इसके अनुसार कार्बन इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इट हैज पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इट हैज नेगेटिव चार्ज। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ओ नेगेटिव या सी पॉजिटिव। तो यदि मैं सोचूं कि ओ नेगेटिव ज्यादा रिएक्टिव है या सी पॉजिटिव ज्यादा रिएक्टिव है, तो सी पॉजिटिव ज्यादा रिएक्टिव होगा, सी पॉजिटिव इज मोर रिएक्टिव व्हेन कंपेयर टू द ओ नेगेटिव, एंड
द रीजन फॉर दिस इज, आप लोग बताना चाहेंगे रीजन? कोई भी बच्चा जो रीजन बताना चाहे कि क्यों सी पॉजिटिव इज मोर रिएक्टिव देन ओ नेगेटिव इन दिस कंपाउंड? ओके, ओके, नाउ आई हैव अंडरस्टूड यू डोंट हैव अ माइक, आई कैन ऑलरेडी सी दैट. नाउ सी दिस, ओ नेगेटिव का ऑक्टेट कंप्लीट है जबकि सी पॉजिटिव का ऑक्टेट इनकंप्लीट है, और यदि सी पॉजिटिव का ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो ऑक्टेट का इनकंप्लीट होना एक बड़ी तकलीफ की बात है. इसलिए सी पॉजिटिव इज मोर रिएक्टिव व्हेन कंपेयर टू ओ नेगेटिव. बेटा ओ नेगेटिव का ऑक्टेट कंप्लीट है, यदि आप ओ नेगेटिव को देखो, यदि वो एक बॉन्ड बना के रखेगा तो ओ नेगेटिव के पास फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? एक बॉन्ड बनाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटरमोस्ट शेल में, पर सी पॉजिटिव के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो ऑब्वियसली इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. तो यहां पर इसका यदि ये बॉन्ड इधर मूव कर जाता है तो सी पॉजिटिव इज मोर रिएक्टिव. अब दो स्पीसीज होती है बेटा, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक. इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, स्नेह. तो जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल. और इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा? हम जीवन में उसी चीज से स्नेह करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है. तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, और इलेक्ट्रोफाइल यदि अटैक करने जाएगा तो कहां अटैक करने जाएगा? वहीं जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है. यदि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक आके सी के पॉजिटिव चार्ज पे किया तो वो दोनों, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों एक दूसरे को हेल्प नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर उनके बीच झगड़ा चालू हो जाएगा बिकॉज बोथ हैज पॉजिटिव चार्ज. बट ओ पर नेगेटिव चार्ज, ओ पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल ओ नेगेटिव पर आकर के अटैक करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में आ रहा है. जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग. तो वन विच लव्स द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियस लविंग. आप ये सोचें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. न्यूक्लियोफाइल के एक जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है. अब टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल अच्छे होंगे, कौन न्यूक्लियोफाइल बुरे होंगे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 SN2 जब मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो मैं आपसे न्यूक्लियोफाइल पे पूरा एक चैप्टर, पूरा एक दिन आपसे न्यूक्लियोफाइल में डिस्कस करूंगा. न्यूक्लियोफाइल अच्छे बुरे कौन से होते हैं, क्या न्यूक्लियोफाइल होते हैं, अभी मैंने आपको जनरल डेफिनेशन न्यूक्लियोफाइल की बताई है. और जनरल डेफिनेशन ये है द वन विच लव्स द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन. और प्रोटॉन में चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव. तो कौन चीज न्यूक्लियस से लव करेगी? वो लव करेगी जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव की ओर जाना चाहता है. तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो लव करता है किससे? न्यूक्लियस से. तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ओ नेगेटिव पे और न्यूक्लियोफाइल जाएगा सी पॉजिटिव पे. अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रोफाइल पहले चलेगा या न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा? तो बेटा जो रिएक्टिव साइट ज्यादा होगा वहां पे रिएक्शन पहले हो जाएगी, जो रिएक्टिव साइट कम होगा वहां पे रिएक्शन देर से होगी. ये सी पॉजिटिव का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से न्यूक्लियोफाइल को अपनी ओर पुकारेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इसकी ओर जो है दौड़ा हुआ आएगा. जबकि ओ का पेट भरा हुआ है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जब पेट भरा हुआ हो तो व्यक्ति जो है उतनी ज्यादा जोर नहीं लगाएगा. इलेक्ट्रोफाइल इसकी ओर आएगा पर उसकी स्पीड उतनी नहीं होगी अटैक की. द मोर रिएक्टिव साइट इज द सी पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्टेट का इनकम्प्लीट होना मतलब ये बहुत सीवियर बात है. तो न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक इस पर होगा. और क्या होता है इसमें? न्यूक्लियोफाइल आके इधर ऐड हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल तो इधर ऐड हो गया और ये हो गया H और ये O, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अब इलेक्ट्रोफाइल आके इधर ऐड हो जाएगा. तो पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, बट रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट हुआ है. जो पहले आता है
उसी के नाम से रिएक्शन का नाम पड़ता है। जैसे बेंजीन रिंग पे जो अटैक होगा पहले इलेक्ट्रोफाइल का होगा, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। इन जनरल, जनरली बात कर रहा हूं मैं आपसे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा बेंजीन रिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल का पहले अटैक होगा, बाद में भले उस पर न्यूक्लियोफाइल आता रहे उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट अटैक जिसका है एल्कीन्स में, फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, एल्कीन के बारे में पूछते। तो एल्कीन में फर्स्ट अटैक किसका होता है? एल्कीन में फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा। नाउ सी दिस, होशियार बच्चों, इस रिएक्शन को मैं नाम दे दूंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दो चीजें आई, दोनों की दोनों ऐड हो गई, कुछ बाहर नहीं निकला। यदि एक आता और एक जाता तो मैं उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलता, पर जो भी आया वो सिर्फ आया और जुड़ गया और कोई गया नहीं, दिस इज एडिशन रिएक्शन। पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब सवाल यह है कि आई अफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से आई अफेक्ट का? देखो बेटा, यदि मान ले बेटा मैं यहां लिख दूं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहां लिख दूं CH3CHO एंड दिस इज HCHO, एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल मैं आप ले रहा हूं फिलहाल। ये एसीटोन, ये एसिटल्डिहाइड है और ये फॉर्म एल्डिहाइड है। मैं इनके स्ट्रक्चर्स बना देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूं।